संसद भवन भारत के भविष्य की जानकारी देने वाला संसद भवन होगा। जो ट्रांजिशन देश में हो रहा है हर क्षेत्र में, आई थिंक ये उसी को सिंबलाइज करता है। नया संसद भवन एक ऐतिहासिक निर्णय माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया था। वाला संसद भवन तो कई सालों से 75 सालों से चलता रहा, लेकिन अभी ये जो संसद भवन है, ये संसद भवन भारत के भविष्य की जानकारी देने वाला संसद भवन होगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरा इतिहास आज के भाषण में रखा है कि भारत आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहा है, बहुत इकोनॉमी डेवलप करता जा रहा है, हर नौजवानों को न्याय देने का काम कर रहा है, सामाजिक न्याय जो है ये हर आदमी को मिलना चाहिए। और एक हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद भवन का जो नाम है, संसद भवन का नाम संविधान सदन नाम दिया है। और संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के आर्किटेक्ट रहे हैं। देश भर के दलितों को, गरीबों को बहुत बड़ा आनंद है कि इस संसद भवन का जो नाम है ये नाम संविधान सदन दे दिया है। तो नए संसद भवन में नया विचार होगा, नवनिर्माण भारत को मजबूत करने के लिए कोशिश होगी। और सभी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हमारा निवेदन है कि यहाँ ज्यादा हंगामा ना करते हुए हम बहुत सारे अलग अलग विषय पर चर्चा करें। सरकार ने क्या करना चाहिए उसके लिए सुझाव देने का आपको अधिकार है। और मुझे लगता है कि इस नए संसद भवन में एक नई रणनीति आंकने का काम भी यहाँ हो जाना चाहिए। और हमें बहुत बड़ी खुशी है कि नया संसद भवन अभी बन गया है। सारा काम नए विधि विधान का अब नए भवन में होगा ही, तो भविष्य में जो भी कानून बनेंगे, जो भी फैसले होंगे, वो नए सदन में, इस भवन में ही होंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा, ठीक ही कहा। एक तो है नए बिल्डिंग को जा रहे हैं, उसमें ज्यादा फैसिलिटीज हैं, लेकिन जो ट्रांजिशन देश में हो रहा है हर क्षेत्र में, आई थिंक ये उसी को सिंबलाइज करता है। दैट्स व्हाई वन फील्स प्राउड टू बी ए पार्ट ऑफ दिस न्यू इंडिया, टू गिव ए सेंस ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन। और इसमें ये है कि जो लोगों का जो ये एस्पिरेशन है, लोगों का जो गोल है भारत से, हमारे से, हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव से, वो मेरे ख्याल से हम लोग वही भरोसा दिला रहे हैं कि हम नए पार्लियामेंट में जाएंगे, उनके लिए और ज्यादा काम करेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए कोशिश करेंगे।